नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। मुंबई उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह मराठा आरक्षण को लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट जल्द से जल्द अदालत में पेश करे। समूची रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए या फिर कुछ अंशों को हटाकर रखा जाए, इस बारे में सोमवार 28 जनवरी से नियमित सुनवाई की जाएगी। इस बीच अदालत ने मेगा भर्ती पर लागू स्थगनादेश वापस लेने से इनकार करते हुए कहा है कि 6 फरवरी तक मराठा आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता। इसी दिन आरक्षण से जुड़ी सभी याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई शुरू होगी। मराठा आरक्षण का विरोध करने वाले याचिकाकर्ताओं ने न्यायाधीश रणजीत मोरे और भारती डोंगरे की खंडपीठ के समक्ष कहा कि जब उन्हें यही पता नहीं है कि पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में क्या कहा गया है, तो वह अपनी बात किस आधार पर रखेंगे। इस दलील के बाद अदालत ने सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। इस दौरान सरकारी वकील V.A. थोरात और राज्य के महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी ने याचिकाकर्ताओं को समूची रिपोर्ट देने को लेकर शंका प्रकट की थी। कुंभकोणी ने कहा, हम 4000 पन्नों वाली समूची रिपोर्ट अदालत को सौंपने के लिए तैयार हैं। हालांकि इस रिपोर्ट में 20 पन्ने मराठा समुदाय के इतिहास के बारे में है, जिन्हें हम सार्वजनिक नहीं करना चाहते। हमें डर है कि इससे सांप्रदायिक तनाव फैलेगा और कानून व्यवस्था की दिक्कतें होंगी। इस पर अदालत ने कहा कि इसका फैसला बाद में किया जाएगा। बीते 18 जनवरी को राज्य सरकार ने मराठा आरक्षण को लेकर 49 पन्नों वाला शपथ पत्र प्रस्तुत किया था। इसमें कहा गया था कि आरक्षण का विरोध करने वालों के पास कोई अधिकृत आंकड़े नहीं है, जबकि आयोग की रिपोर्ट व्यापक सर्वेक्षण और अध्ययन के बाद निकाले गए निष्कर्षों पर आधारित है। इसलिए आरक्षण विरोधी सभी याचिकाएं खारिज की जाएं। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने शपथ पत्र में कहा है कि मराठा समुदाय सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है।